बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हवाले से। ये लिक्विड मटेरियल्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, रखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जैसे आपने सुना है, कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं कि जिनके पास अगर आप मैग्नेट लेके जाएं तो वो मैग्नेट को रिस्पॉन्स शो करते हैं, अट्रैक्शन वगैरह शो करते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये वो मटेरियल हैं कि इनके पास जब आप मैग्नेट वगैरह लेके जाएंगे तो ये मैग्नेट को कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते। तो पहले तो हम बात करते हैं मुख्तलिफ डेफिनेशंस की कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का। परमियाबिलिटी से मुराद के जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन में कूलम लॉ पढ़ते हैं और एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² अच्छा, अब वो जो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं उनके दरमियान में अगर वैक्यूम है, स्पेस है या कोई चीज मीडियम आप रख देते हैं, तो आपने उसके लिए एप्सिलॉन नॉट की टर्म वहां यूज की हुई है या एप्सिलॉन आर भी यूज करते हैं। उसका मकसद ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है कि वो मीडियम इन चार्जेस की जो लाइंस हैं उनको ये अपने में से कितनी पास होने की इजाजत देता है। ये फिनोमिना मैग्नेट्स पे भी अप्लाई होता है। जब दो मैग्नेट आप आपस में करीब करते हैं तो उनके दरमियान में क्या चीज मौजूद है, कौन सा मीडियम है जो उनकी मैग्नेटिक लाइंस को पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है, तो उसी टर्म पे ये मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का टर्म आती है। तो डेफिनेशन इसकी हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टू पास थ्रू द मीडियम एज कंपेयर टू दैट इन द वैक्यूम। के वैक्यूम के मुकाबले में आप मीडियम को रख दें तो मीडियम अपने में से मैग्नेटिक लाइंस को पास होने की इजाजत देता है या नहीं देता। इसका फार्मूला भी बिल्कुल उसी तरह कूलम लॉ की तरह ही है कि एफ इज इक्वल टू 1/α यह हम यूज करते हैं। अल्फा से मुराद मैग्नेटिक परमियबिलिटी है। जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट था उसके अंदर कूलम लॉ के अंदर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए S1 S2 दो पोल्स हैं जिनके दरमियान मैग्नेटिक लाइंस हैं और R उनके दरमियान डिस्टेंस है। जो अल्फा यहाँ पे हमने लिखा है पैरामीटर, इसी को मैग्नेटिक परमियबिलिटी ऑफ द मीडियम बोला जाता है। और इसकी तीन डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। इसकी वैल्यू 1 रखी जाती है फॉर वैक्यूम या एयर। अगर दो मैग्नेट्स के दरमियान एयर है या वैक्यूम है तो ज़ाहिर बात उन लाइंस को पास आउट होने के लिए कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो फिर अल्फा की वैल्यू 1 रखी जाती है। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो <1 हो जाती है और जो पैरामैग्नेटिक हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू <1 हो जाती है। क्योंकि अब ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से क्या मुराद है वो इसी की टर्म नीचे इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं कि जो मैग्नेट के पास अगर हों तो वो मैग्नेट अब उनके अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं आती जो उन मैग्नेटिक लाइंस को रेनफोर्स कर रही हो, बढ़ा रही हो। यानी दो मैग्नेट्स के दरमियान में अगर आप एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देंगे तो वो मैग्नेटिक लाइंस को की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा नहीं, उनकी हेल्प नहीं करेगा कि तुम आओ पास आउट हो जाओ, बल्कि उनको रिपेल करने, रिपेल से मुराद यही है कि वो कोई इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा होगा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं कि जो खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं और फिर बाहर से जो मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं उनको अपने थ्रू अपने अंदर से पास आउट करवा के दूसरी डायरेक्शन में दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस की इंटेंसिटी को वो बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हम उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तीसरी कैटेगरी होती है। ये पैरामैग्नेटिक ही होती है कि ये रेस्पॉन्स शो करते हैं लेकिन इनका रेस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है। आम जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक नॉर्मल रूटीन में रेस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो इस वजह से वो इनको फिर एक अलग क्लास
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के नाम से रखा जाता है। अब इसके नीचे उसने कंपेयर भी किया कि इसकी अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है इन दी रेंज ऑफ 10^3। ये आम जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो वैल्यू रख रहा है ये उससे तकरीबन 10^3 टाइम जो है ज्यादा काफी हाई वैल्यू में चली जाती है। ये उसने डायग्राम से भी शो करने की कोशिश की है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं कि ये देखें सेंटर में पड़ा हो तो वो मैग्नेटिक लाइंस उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, को मैग्नेटिक लाइंस के साथ कोई एन पोल एस पोल अपना बना के तो इन बाहर वाले एन पोल एस पोल को रेस्पॉन्स शो कर सके, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो एन पोल और एस पोल की मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर से उस सब्सटेंस से ऊपर नीचे से गुजर रही है। पैरामैग्नेटिक रेस्पॉन्स चूंकि शो कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस उस मीडियम में से भी उस बॉडी में से भी पास आउट होके दूसरी तरफ जा रही होती है, और फेरोमैग्नेटिक चूंकि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स शो करता है तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है उसी सब्सटेंस के थ्रू पास होने से। ये तो तीन डिफरेंसेस हो गए। तो बेसिक हमारी डेफिनेशन यहाँ पे इस हवाले से थी, ये टर्म्स ना कि मैग्नेटिक परमीएबिलिटी क्या है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या है। ये ग्रेटर देन वन या लेस देन वन जो हमने लिखा हुआ है यानी परमिएबिलिटी, अब देखो ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अभी आपने कहा कि वो खुद में से पास होने देते थे इसलिए उनके लिए अल्फा की वैल्यू वन से बड़ी है, जो डायमैग्नेटिक है वो चूंकि खुद से पास होने नहीं देते तो उनके लिए अल्फा की वैल्यू वन से छोटी है, और एयर और वैक्यूम चूंकि वो कुछ भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे नॉर्मल वो जा रहे जिससे, तो उसलिए हमने अल्फा की वैल्यू जो है वो उसके लिए वन ले जाती है। अब अगला टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन से मुराद क्या है कि जब एक मटेरियल आप लेते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में आप रख देते हैं तो अब जो मैग्नेटिक लाइंस की स्ट्रेंथ है वो बदल जाती है, जैसे अभी ये ऊपर आपने देखा कि डायमैग्नेटिक में पैरा में और स्ट्रेंथ है, फेरोमैग्नेटिक में और स्ट्रेंथ है मीडियम में से पास होने, तो अगर वो वैक्यूम या एयर रखे हैं तो उनका पास होने का अंदाज और है और उस सब्सटेंस के आने की वजह से अब उसका पास होने का लाइनों का मैग्नेटिक लाइंस का पास होने का जो अंदाज है वो डिफरेंट है, बदल जाता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो कम हो गई है या ज्यादा हो गई है बदल गई है उस मटेरियल के आने की वजह से, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का उस मटेरियल के हवाले से, यानी वो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन हुई है जिसकी बेस पे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हुए मैग्नेटिक लाइंस की इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इसको बी से शो करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन को, और इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका जो रिलेशनशिप है दो है, एक तो ये आपको शो यहाँ पे किया है कभी आगे आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एच प्लस 4 पाई आई। बी से मुराद मैग्नेटिक इंडक्शन है उस सब्सटेंस की कि कितनी उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, एच से मुराद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप ज्यादा देंगे जहर बात उतनी इंडक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्लस 4 पाई आई, आई से क्या मुराद है, ये हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जो उस मटेरियल जो है उसकी मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी कितनी है। मैग्नेटिक इंडक्शन तो होगी ना कि उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन हम जब इंड्यूस करेंगे तो हो गया, अब हर सब्सटेंस की मैग्नेटाइज होने की पावर बराबर तो नहीं है, अब एच अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबको सेम दे लेकिन हर एक में जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी क्योंकि हर एक के लिए आई की वैल्यू डिफरेंट है, कि मैग्नेटिक मोमेंट उनके अंदर जो क्रिएट होनी है वो हर एक की डिपेंडिंग अपॉन द नेचर वो डिफरेंट है। तो इसमें अब जैसे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए आई की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी ग्रेटर होती है कि उनमें इंडक्शन यानी उनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स ज्यादा है स्ट्रांग है, वो बड़ी आसानी से मैग्नेटिक इंडक्शन भी उनमें हो जाती है तो उनकी बी की वैल्यू भी बड़ी होगी क्योंकि आई पॉजिटिव है तो एच के अंदर फिर ये वाला फैक्टर आपका एड होगा और बी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो डायमैग्नेटिक है उनके लिए आई की वैल्यू नेगेटिव है, आई माइनस रखेंगे तो ये 4 पाई आई वाला जो फैक्टर है ये नेगेटिव में चला जाएगा तो एच से भी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो मैग्नेटिक इंडक्शन उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बहुत कम हो जाएगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आप दे रहे हैं उससे भी नीचे चली जाती। तो ये आगे उसने एक्सप्लेन किया है कि आई से क्या मुराद है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
मैग्नेटाइज उस सब्सटेंस की मैग्नेटाइज होने की कितनी सलाहियत है। मैग्नेटाइजेशन जितनी सलाहियत ज्यादा होगी उतनी उसकी मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। इसी वजह से हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये पॉजिटिव है कि जो मैग्नेटाइज होने की सलाहियत रखते हैं और उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हाई होती है, लेकिन जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए ये नेगेटिव है। उसके बाद है जी स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये अलग से टर्म जो है ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, कि मैग्नेटाइजेशन वाली उसी रिलेटेड उसी से ही है कि आपकी वो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज तो हो रहा है, तो मैग्नेटाइज होने की उसकी जो सलाहियत है जिसे हमने पीछे मैग्नेटिक परमियबिलिटी अल्फा से भी शो किया था, तो उसी को से रिलेटेड ये टर्म है, लेकिन इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये कैसे डिफाइन होती है कि इससे हम काई से इसको शो करते हैं, और ये रेशियो है किसकी, आई और एच की। एच से मुराद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आप दे रहे हैं, और आई से मुराद उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो ऊपर हमने अभी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम की बात की है वही वाली। तो आई जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल की जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी मैग्नेटाइज होबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो भी ज्यादा होगी। और जो एच है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके ये काई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई ओवर एच, आई के डायरेक्टली है और एच के ये इनवर्सली। इसका यूनिट अगर हम निकालते हैं तो आई ओवर एच इज इक्वल टू आई की जो वैल्यू है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और एच जो आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट बोहर मैग्नीटॉन दिया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑक्सीटेड लिया जाता है। और इसको समराइज करें तो बी एम से मुराद बोहर मैग्नीटॉन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ऑक्सीटेड, तो ये इसका यूनिट बन जाता है काई का। अच्छा, ये तो हो गया स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसी से रिलेटेड टर्म मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकल रही है इसी को अगर आप मोल के हिसाब से ले लें पर यूनिट वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम के हिसाब से ले लें कि वो जो सब्सटेंस लिक्विड आपने लिया है वो मोलर वॉल्यूम उसका ले लें, 1 मोल वॉल्यूम हो उसका, तो उस वक्त उसका जो बनेगा काई की वैल्यू उसकी मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। ये ज्यादा जनरलाइज हो जाता है क्योंकि इसमें अमाउंट फिक्स हो जाती है, ये सिंपल काई के अंदर अमाउंट फिक्स नहीं होती, वो कोई किसी अमाउंट पे ले रहा है, कोई किसी अमाउंट पे ले रहा है, तो इसमें मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की टर्म ज्यादातर यूज होती है जो जनरल हो जाती है, कि जिस सब्सटेंस की भी बात करेंगे तो हम काई एम के हिसाब से बात करते हैं कि वो सब्सटेंस 1 मोल हो तो उसकी ये वैल्यू क्या निकलती है। तो आई ओवर एच ही है लेकिन उसको हमने अब मोलर वॉल्यूम एम ओवर डी, वॉल्यूम डी डेंसिटी होती है ना मास ओवर वॉल्यूम, तो वहां से वी निकालें तो एम ओवर डी आ जाएगा, तो ये मोलर मास है और डी उसकी डेंसिटी है, तो उसको मोलर वॉल्यूम को एम ओवर डी से रिप्लेस किया हुआ, तो ये फार्मूला यूज करते हैं मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फाइंड करने के लिए। डेफिनेशन इसकी बनाए तो इन्हीं इसी फार्मूले की बेस पे आप लिख सकते हैं कि मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी ये आई है किसके लिए, पर मोल ऑफ मटेरियल, कि उसका जो मटेरियल है वो 1 मोल हो, और पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ एच की वैल्यू भी 1 हो और एम ओवर डी की वैल्यू भी 1 हो मोलर वॉल्यूम, तो उस वक्त आई की वैल्यू जो हो गई वो आपका काई एम जो है के बराबर होगा, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होगा। तो अच्छा, अब ये तो हो गया ना उसका काई एम का फार्मूला। अब हम फार्मूला निकालना चाह रहे हैं, वैल्यू निकालना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं इस काई एम का अल्फा के साथ, जो हमारा शुरू में पॉइंट था कि मैग्नेटिक परमियबिलिटी जो है वो भी रिलेट होनी चाहिए इसके साथ। तो उसके लिए हम फिर यूज करते हैं कि जो बी था बोहर, जो पिछले पेज पे हमने अभी डिस्कस किया मैग्नेटिक इंडक्शन वाला पॉइंट जो था, तो बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एच। एक फार्मूला हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे वो था बी इज इक्वल टू
एच प्लस 4 पाई आई, यानी बी वो जो आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक रिलेशनशिप ये है आई की शक्ल में, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की शक्ल में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और दूसरा उसका डायरेक्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशनशिप है बी इज इक्वल टू एल्फा एच, ये यूज कर रहा है एल्फा को, एल्फा से मुराद मैग्नेटिक परमियबिलिटी अगर मैं लूं तो, फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन आपस में कैसे रिलेट करते हैं, यानी रिलेशन आप बी और एच का ही बता रहे हैं लेकिन ये रिलेशनशिप बी और एच का है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक मोमेंट, और ये बी और एच का रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक परमियबिलिटी एल्फा, ठीक हो गई। अब ये बी बी इज इक्वल टू एल्फा एच के बराबर आ गया, और जो आई है वो आप इस फार्मूले से लें तो वो काई एच के बराबर आ जाता है। तो बी और आई की वैल्यू आप इसी इक्वेशन नंबर ये जो 1 आप इसे रख लें तो इसके अंदर बी की वैल्यू और बी की जगह एल्फा एच और आई की जगह काई एच पुट कर देंगे, तो इन दोनों में से आपका एच यहाँ से कॉमन चला जाएगा और ये इधर वाले एच से कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ अल्फा बच जाएगा, इधर आपका 1 प्लस 4 पाई काई वैल्यू बच जाएगी। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसमें अल्फा मैग्नेटिक परमियबिलिटी भी आ गई और काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आ गई, ये दोनों जो है उनको आपस में रिलेशनशिप आ जाता है। अब इसमें वैल्यू लें तो फिर वही कि काई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके लिए काई की वैल्यू पॉजिटिव है, काई अगर आप यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो फिर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी जो 1 में जमा होकर 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमने अभी शुरू में यही लिखा था कि पैरा के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, डाया के लिए 1 से लेस होती है और वैक्यूम के लिए 1 के बराबर ही होती है। तो अच्छा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई की वैल्यू माइनस होती है, काई नेगेटिव रखेंगे तो आंसर आपका ये 1 से छोटा निकल जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और काई की वैल्यू 0 होती है वैक्यूम के लिए क्योंकि उसके अल्फा की वैल्यू जो है वो भी 1 के बराबर होती है। ये 0 रखेंगे ना, काई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, पीछे 1 बच जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा वैक्यूम के लिए, काई 0 और अल्फा 1 के बराबर। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं एमसीक्यू के हवाले से, पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक परमियबिलिटी की वैल्यूज डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और वैक्यूम के लिए क्या हैं, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पैरा डाया और वैक्यूम के लिए क्या हो सकती हैं, और इनका आपस में रिलेशनशिप जो है एल मैग्नेटिक परमियबिलिटी का और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वो क्या बनता है।